रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2020 को HDFC को एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पिछले 2 साल के दौरान HDFC की इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पेमेंट यूटिलिटी सर्विस में दिक्कतों को लेकर जारी किया गया है। RBI ने 21 नवंबर को हुई दिक्कत पर भी सवाल उठाया है। 21 नवंबर को बैंक के प्राइमरी डाटा सेंटर में पावर फेल होने से भी ग्राहकों को काफ़ी दिक्कत हुई थी। अपने ऑर्डर में RBI ने बैंक को सलाह दी है कि वह अस्थायी तौर पर डिजिटल 2 के तहत सारी नई लॉन्चिंग रोक दे। इसके साथ ही प्रस्तावित IT एप्लीकेशंस और नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को सोर्स करने पर भी रोक लगाने को कहा है। RBI ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि बैंक का बोर्ड इस बात की जाँच करे कि गड़बड़ियों की वजह क्या रही थी। बैंक ने रेगुलेटर को दी गई जानकारी में बताया कि बैंक ने IT सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कई उपाय किए हैं। पिछले 2 साल के दौरान कामकाज को बेहतर किया गया है और रेगुलेटर को इस मामले की नियमित जानकारी दी जाएगी। इसी तरह का मामला 3 दिसंबर 2019 को हुआ था। तब एक कस्टमर ने शिकायत की थी कि वह अपने लोन की EMI पेमेंट करने या क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं कर पा रहा है। हालांकि बाद में यह पता लगा कि बैंक ने पेमेंट वॉल्यूम की जबरदस्त ग्रोथ का अंदाज़ा नहीं लगाया था, जिसकी वजह से यह दिक्कत हुई। बैंक ने तब किसी तरह के साइबर अटैक से भी इनकार किया था।